चलिए इसी के साथ ही भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ले रहे क्लास। जी हां, बता दें आपको, सिंधिया खेमे मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं और संगठन की बैठक के बाद जामवाल की बैठक है। बंद कमरे में सिंधिया खेमे के मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पर भी अजय जामवाल मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो है वो सभी खेमे मंत्रियों की क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें, संगठन की बैठक के बाद जो है जामवाल की बैठक रखी गई और इस बैठक में बंद कमरे में सिंधिया खेमे के मंत्रियों की क्लास ली जा रही है। और किस विषय पर क्लास ली जा रही है, इसकी अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस बैठक में। और अजय जामवाल जो है मंत्रियों से भ्रष्टाचार को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे थे। एक बार फिर आपको बता दें, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो है सिंधिया खेमे मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। संगठन की बैठक के बाद जामवाल की बैठक है और बता दें, बंद कमरे में सिंधिया खेमे के मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे थे। बता दें कि भ्रष्टाचार जो है वो मुख्य विषय बना हुआ है और इस पर जो है अजय जामवाल सभी मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं इस बैठक में। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो है वो मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं, इस बैठक में क्या कुछ जानकारी और किस तरीके की क्लास वो लेते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें हम क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल की, तो ये एक अलग तरीके के हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं और इनको हमेशा इस दृष्टि से देखा जाता है कि अगर इनकी नाराजगी जो होती है वो बाद में कार्रवाई के रूप में तब्दील हो जाती है। और आज हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक मंत्री हैं, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, गोविंद सिंह राजपूत, इनको अलग से बुलाया गया और एक बंद कमरे में लगातार इनकी क्लास ली गई। हमने सुबह ही बताया भी था कि सिंधिया समर्थक कुछ मंत्री समय पर नहीं पहुंचे और बार बार जब अटेंडेंस ली जा रही थी तो उनका नाम बुलाया जा रहा था। तो एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन जो अनुशासन की बात करता है और उसमें कहीं नहीं दिखता है। तो उसके बाद में हमने देखा कि संगठन मंत्री किस तरह के जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से उनका रुख अलग हो जाता है और वही रुख आज जो है अजय जामवाल का नजर आया। और स्पष्ट रूप से उन्होंने साथ में ये भी खबर है सूत्रों के माध्यम से कि गोविंद सिंह राजपूत जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं उनके संदर्भ में भी क्लास लिए कि किस तरह से उनको लेकर लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, कुछ घोटालों की बात आ रही है जमीन घोटाले के संदर्भ में। तो इन सबसे बचने की सलाह भी कहीं ना कहीं जो है नसीहत अजय जामवाल की तरफ से मंत्रियों को दी गई है। जी जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।